Good morning, kids. All of you okay and happy, and also we have to follow the SMS rule as for soap and for mask, and next as for is social distancing. So we have to start today our new chapter, chapter 5: patterns. Patterns means different type key designs. Uh, with different colors, so let move the chapter. Binny and Ginny were going home. On the way, they saw some people making the pavement. The tiles used were of different color and designs. दिस इज़ वॉ दे सौ मीन्स यहाँ पे आपका स्टोरी एक बताई गई आपको जिसमें बिन्नी और गिन्नी के थ्रू ये स्टोरी एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखा होगा पेमेंट पेमेंट मीन्स पेमेंट्स मीन्स फूट पाथ रोड के साइड रोड के किनारे किनारे आपने फुटपाथ देखा होगा वो बिनी और गिनी ने घर जब जा रही थी तो उन्होंने भी देखा कि कुछ लोग जो पाथ बना रहे हैं उस पर डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कलर्स की टाइल्स को यूज़ कर रहे हैं और उनका एक पैटर्न उन्होंने ड्रॉ कर रखा है जो कि वहाँ पे दिखाई दे रहा था जस्ट लाइक दिस यहाँ पे दो कलर के टाइल्स उन्होंने यूज़ किया एक आपको ये फ्लावर जैसा दिख रहा होगा और नेक्स्ट आपको ये वाला दिख रहा होगा मीन्स उन्होंने दो टाइल्स के थ्रू क्या किया है पैटर्न को फॉलो किया है ऑन रीचिंग होम दे सॉ देयर मदर साड़ी हैंगिंग ऑन रूप इट ऑल्सो नाइस डिजाइन विद डिफरेंट कलर बिनी और गिनी ने रास्ते में क्या देखा कुछ लोग फुटपाथ पे डिफरेंट डिज़ाइन और डिफरेंट कलर का यूज़ करते हुए वहाँ पे पैटर्न फॉलो कर रहे थे पैटर्न बना रहे थे लेकिन जब वो घर पहुँचती हैं तो क्या देखती हैं एक डोरी है एक रस्सी है, है जिसपे उनके मदर की साड़ी टंगी हुई है और उस पर भी ब्यूटीफुल डिज़ाइन है ब्यूटीफुल कलर से पैटर्न ड्रा हुआ है यहाँ पे कैसा पैटर्न है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे टाइप्स के फ्लावर के लीव्स टाइप्स के पैटर्न यहाँ पे बने हुए फर्स्ट उन्होंने रास्ते में देखा टाइल्स के थ्रू पैटर्न फिर अपनी मम्मा की साड़ी को उन्होंने देखा फिर नेक्स्ट क्या वो देखती हैं इन द इवनिंग वर प्लेइंग इन अ पार्क दे सॉ आयरन ग्रीड्स ऑन द बाउंड्री वॉल शाम के टाइम वो बिनी और गिन्नी कहाँ जाती हैं पार्क में जाती हैं और पार्क में क्या देखती हैं लोहे की ग्रीड्स लगी हुई हैं जो कि पार्क की बाउंड्री वॉल पे लगी हुई हैं और उनका वो पैटर्न देखती हैं उनके डिज़ाइन देखती हैं कि वो किस डिज़ाइन में लगी हुई हैं लुकिंग एट द ग्रीड्स बिन्नी सेट उन लोहे की रॉड्स को देख के बिन्नी बोलती है दीज सम ग्रीड्स मेक अ डिफरेंट पैटर्न इन आवर विंडो एट होम यहाँ पे ये यह आपको दिख रहा होगा ये है पार्क की बाउंड्री वॉल यहाँ पे जो ग्रीड्स लगी हैं यहाँ पे जो पैटर्न यहाँ पे है वैसे ही बिन्नी बोलती है कि ऐसी ही ग्रीड तो हमारे घर की विंडो पे भी लगी है बट उसका पैटर्न पार्क के बाउंड्री वॉल पे जो ग्रीड्स लगी हैं उनके पैटर्न में डिफरेंट है ग्रीड का डिज़ाइन सेम है लेकिन पैटर्न क्या है डिफरेंट है वी सी एनी सच पैटर्न अराउंड अस ऑन टाइल्स क्लोथ्स एंड दरीज मीन्स उन्होंने सच पैटर्न देखे कहाँ कहाँ देखे किसके किसके थ्रू देखे टाइल्स के थ्रू उन्होंने पैटर्न देख लिया uh, क्लोथ्स के थ्रू उन्होंने पैटर्न देख लिया और दरी पे भी उन्होंने पैटर्न देख लिया नेक्स्ट भोलू भोलू इज़ द माउस ऑफ दिस स्टोरी भोलू हैज़ ईटन अ पार्ट ऑफ द सॉल ऑफ बिनीज मदर भोलू ने क्या किया जैसा कि भोलू माउस है उसका नेचर है किसी भी चीज़ को किसी भी थिंग्स को स्मॉल पीसेस में कट करना तो उसने बिन्नी की मदर की शॉल को क्या किया स्मॉल पीसेस में कट कर दिया लुक द पिक्चर एंड हेल्प बिनी इन मैचिंग विथ पीस ऑफ द सेम पैटर्न यहाँ पे बिन्नी की मदर की शॉल है इसमें आपको पैटर्न दिख रहा होगा और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं जिसको आपको देख के ये बताना है कि इस शॉल के इस पोर्शन में कौन सा जो पीस है क्लॉथ का जो पीस यहाँ पे रखा है वो यहाँ पे फिट होगा वो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट लग जाएगा कौन सा पैटर्न होगा यहाँ पे यहाँ पे आपने देखा कि फोर फोर डॉट्स बने हुए हैं तो फोर डॉट्स किस में है इसमें तो है ही नहीं ऐसे फर्स्ट में थ्री है फिर टू है फिर वन है तो ये पैटर्न होगा ही नहीं नेक्स्ट में हमारा क्या है फर्स्ट में टू है फिर वन फिर वन ये भी नहीं होगा फिर अगेन थर्ड वाले में भी देखते हैं हम तो इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 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 ऊपर है और नीचे टू है ये भी नहीं होगा तो हमारा कौन सा राइट आंसर होगा राइट आंसर इज़ दिस तो ये हमारा राइट right आंसर है और ये यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे पैटर्न है वैसे ही इसमें भी डिज़ाइन बनी हुई है ओके नाउ नेक्स्ट माधव वॉन्स टू मेक अ पैटर्न ऑन अ गेट यूजिंग दिस माधव जो है वो गेट का पैटर्न बनाना है किससे बनाएगा वो यहाँ पे एक आपको डिज़ाइन दी गई है उसी के थ्रू वो गेट का पैटर्न बनाएगा यू कैन गेस विच ऑफ दिस कैन नॉट बी फॉर्म विद दिस यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स दिख रहे होंगे जो कि आपको बताने हैं कि इसका यूज़ करके कौन सा पैटर्न नहीं बन सकता है क्लियर तो फर्स्टली हम इसको देखते हैं हमारा ये डिज़ाइन कैसे है ये हमारा डिज़ाइन ऐसे है फिर यहाँ पे एक लाइन है फिर ये ऐसे और ये ऐसे है मींस ये हमारा डिज़ाइन है तो हम देखते हैं कि ये डिज़ाइन इस डिज़ाइन से मैच कर रही है तो ये पैटर्न हम बना सकते हैं क्लियर बट हमारा जो ये वाला फिगर है ये पैटर्न हम इस पैटर्न से नहीं बना सकते क्योंकि हमारा जो भी डिज़ाइन यहाँ पे दी गई है वो हमारी इस साइड से ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन यहाँ पे नहीं है मीन्स हमारा ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा कम टू द नेक्स्ट नेक्स्ट में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड पे उसके डिज़ाइन बनी हुई है जो कि यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि इसमें तो दोनों साइड से डिज़ाइन बनी हुई है लेफ्ट भी है और राइट भी है बट यहाँ पे दोनों साइड नहीं है तो ये पैटर्न भी हमारा फॉलो नहीं होगा नेक्स्ट इज़ इसमें तो हमारे लेफ्ट और राइट की जो डिज़ाइन बनी है वो है ही नहीं तो ये तो है ये हमारा फॉलो नहीं करेगा पैटर्न तुम्हारा पैटर्न फॉलो कौन कौन से कर रहे हैं दिस पिक्चर फाइव एंड पिक्चर वन मीन्स वन और फाइव हमारा क्या है पैटर्न फॉलो करेगा ओके नेक्स्ट फिल अप द ब्लैंक बॉक्सेस टू कंप्लीट द पैटर्न फर्स्टली यहाँ पे आपने देखा कि पिंक और येलो में बॉक्सेस को फिल किया गया है तो फर्स्ट लाइन में आपने देखा पिंक येलो पिंक येलो ऐसे कलर पैटर्न भी फॉलो किया गया और नेक्स्ट में आपने देखा कि हाफ ऑफ उसको कलर किया गया है दो कलर यूज़ किया गया है और थर्ड लाइन में हम देखते हैं यहाँ पे पिंक येलो और पिंक किया गया तो हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा हम इसमें क्या फ़िल कर देंगे येलो कलर फिल कर देंगे क्लियर फिर हमारा नेक्स्ट क्या जाएगा पिंक कलर आ जाएगा फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा येलो कलर एंड नेक्स्ट बॉक्स में हमारा क्या फिल हो जाएगा पिंक कलर ये मैं ब्रश से कर रही हूँ स्क्रीन पे तो मे बी उतना फाइन नहीं हो रहा है बट आप करेंगे तो वो बेटर हो जाएगा सो so, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले कॉलम पे यहाँ पे भी ऑरेंज और ग्रे कलर का यूज़ किया गया है तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि हम अपने इस वाले बॉक्स में जाएंगे और उसमें से हाफ कलर करेंगे यहाँ पे ग्रे कलर किया गया है तो हम इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हमने ग्रे कलर यूज़ करना है बट मैं यहाँ पे ब्लू कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ग्रे कलर नहीं है ओके बट आप क्या करेंगे ग्रे कलर ही यूज़ करेंगे और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे नेक्स्ट बॉक्स में हम उसको पहले हाफ़ डिवाइड कर लेंगे हाफ़ में हमने येलो कलर फिल कर दिया और हाफ में हम ब्लू कलर फिल कर देंगे इसमें क्या है हाफ़ हाफ़ कलर का यूज़ करके इस पैटर्न को बनाया गया है नेक्स्ट में एज इट इज़ हमारा येलो कलर आएगा देन पिंक फिर येलो देन पिंक ओके आई होप ये पैटर्न आपको कलर्स के के थ्रू हम पैटर्न्स कैसे कर सकते हैं यहाँ पे ये फाइंड आउट किया गया है नेक्स्ट हमारा है लीफी पैटर्न लीफी पैटर्न मीन्स लीफ के थ्रू डिफरेंट टाइप के लीफ को हम लेके डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स को हम बना सकते हैं सो लुक हेयर यूजिंग वन लीफ वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न्स सी देयर फाइव लीफी पैटर्न्स मीन्स हम एक ही लीफ यहाँ पे देखिए एक ही तरह की लीफ है और हमने पैटर्न कितने बनाए हैं वन टू थ्री फोर फाइव एक ही लीव की डिज़ाइन है और पैटर्न्स हमने कितने बना दिए हैं फाइव फर्स्ट रो में देखिए अपर साइड लोअर साइड कर करके हमने इसको एक पैटर्न बनाया फिर हमने अपर किया लेफ़्ट किया अपर किया लेफ़्ट करके इसको बनाया फिर थोड़ा सा राइट साइड लेफ़्ट साइड बैंड कर कर के हमने इसको बना दिया फिर लीव्स को हमने क्या किया राइट साइड लेफ़्ट साइड राइट और लेफ्ट रख के इसको किया और लास्ट में जो फिफ्थ हमारा पैटर्न है उसमें हमने लीव्स को क्या किया है टू लीव्स को हमने डाउन किया है और टू लीव्स को अप किया है इस तरह से हमारा वन टू फाइव थ्री फोर पैटर्न इसमें फॉलो हो गया अब जो हमारा नेक्स्ट आपको जो करना है अपनी नोटबुक में वो है नाउ यू ऑल्सो मेक सम पैटर्न विथ एरो इन योर नोटबुक मीन्स आपको जैसे यहां पे लीफ यूज करके पैटर्न बनाया गया है वैसे आपको एरो का यूज करके पैटर्न यहां पे बनाना है नाउ नेक्स्ट इज लुक एट द पैटर्न्स एंड फिल अप द बॉक्स यहाँ पे आप पैटर्न्स को देखिए और बॉक्स को जो यहाँ पे खाली बॉक्सेज आपके बने हुए हैं उनको आपको फिल करना तो फर्स्ट बॉक्स में क्या है सर्कल तो सर्कल को हम क्या करेंगे पहले सर्कल है फिर स्क्वायर है फिर सर्कल है फिर स्क्वायर है तो हमारा नेक्स्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा सर्कल आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा नेक्स्ट फिर क्या जगह हमारा सर्कल एंड नेक्स्ट इज स्क्वायर क्लियर स्टूडेंट ओके अब हम नेक्स्ट अपने बॉक्स पे आते हैं यहाँ पे यहाँ पे एरो आपको दिख रहा होगा जो कि अपर साइड एरो बने हुए हैं तो हमें क्या करना है एज इसमें ऐसे एरो आपको बना देने हैं और हम नेक्स्ट पे आते हैं तो इसमें फर्स्ट ही हमें वन छोटा सा सर्कल दिख रहा है फिर नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है टू सर्कल फिर थ्री एंड नेक्स्ट अगेन क्या रिपीट रिपीट हो रहा है यहाँ पे वन सर्कल तो हम फिर नेक्स्ट में क्या बनाएंगे टू सर्कल फिर नेक्स्ट में क्या बना देंगे थ्री सर्कल फिर हम अगेन क्या रिपीट करेंगे वन सर्कल देन नेक्स्ट इज़ टू सर्कल ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया <coughs> फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं तो यहाँ पे एरो बने दोनों अपर साइड फिर लोअर साइड फिर अपर फिर लोअर तो हमें क्या करना है फर्स्टली हम यहाँ पे एक एरो अपर साइड बनाया नेक्स्ट एरो भी हमने क्या किया अपर साइड बना दिया फिर ऐसे क्या करना है हमें फिर यहाँ पे लोअर साइड बनाना है फिर हमें अपर साइड बना देना है ऐसे हमारा ये बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट पे आते हम ट्रायंगल टू डॉट्स ट्रायंगल टू डॉट्स तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ट्रायंगल बनाएंगे और फिर क्या कर देंगे टू डॉट्स यहाँ पे बना देंगे फिर हमें क्या करना है यहाँ पे जो ट्रायंगल हम बनाएंगे देखिए इसका जो ये कॉर्नर है ये नीचे की साइड है फिर ये ऊपर की साइड है तो यहाँ पे जो बनेगा वो ऐसे नीचे की साइड बनेगा और यहाँ जो बनेगा वो ऐसे ही ऊपर के साइड बनेगा और हमें बीच में क्या ड्रॉ कर देना है टू टू डॉट्स बना देने हैं क्लियर इस तरह से हमें और भी सारे पैटर्न्स को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है आई होप आपको ये चैप्टर लेपी पैटर्न और कलर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा ये हमने क्या पढ़ लिया हमने इस पोर्शन में शेप्स पैटर्न कि शेप के थ्रू हम पैटर्न्स को कैसे बना सकते हैं तो हमने थ्री पैटर्न्स यहाँ पे पढ़े कलर पैटर्न लीफी पैटर्न एंड शेप्स पैटर्न क्लियर